बिग बॉस OTT 2 में कई मोमेंट्स ऐसे रहे जिन्हें लेकर बातों ने तुल पकड़ लिया। शो में फैमिली वीक के दौरान महेश भट्ट ने एंट्री ली थी। उस दौरान उन्होंने मनीषा रानी से मुलाकात की। उन्होंने मनीषा को गले लगाया था। इतना ही नहीं बल्कि मनीषा को हाथ पर किस भी किया था। इस मामले पर पूजा भट्ट ने चुप्पी तोड़ी है। तो आइए जानते हैं आखिर माजरा क्या है। बिग बॉस OTT 2 अब खत्म हो चुका है, लेकिन अगर कुछ खत्म नहीं हुआ है तो वो है इस घर के अंदर हुई कुछ हरकतें जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। शो की सेकंड रनर अप रही मनीषा रानी और महेश भट्ट का उनको किस करने का किस्सा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। फैमिली वीक के दौरान पूजा से मिलने महेश भट्ट आए थे। इस दौरान उन्होंने मनीषा को कुछ इस तरह गले लगाया और किस किया, जिसे लेकर वह असहज हो गई थी। इस बात पर पूजा भट्ट ने चुप्पी तोड़ते हुए मनीषा रानी के कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। आइए जानते हैं आखिर पूजा भट्ट ने क्या कहा। इंटरव्यू के दौरान पूजा भट्ट ने इस वाक्य के लिए मनीषा रानी को खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा, जब मनीषा रानी दूसरे कंटेस्टेंट को गले लगाती हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे लगता है कि लोग भूल गए हैं कि हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे हम होते हैं। दुनिया हम वैसे नहीं देखते जैसे दुनिया है। अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो उन्हें गुड लक। पूजा ने यह भी कहा है कि उन्हें और महेश भट्ट को सफाई देने की जरूरत नहीं है। महेश भट्ट ने अभिषेक मदान और जद हदीद को भी गले लगाया था और किस किया था। उन्होंने कहा कि मनीषा के फैंस ज्यादा परेशान हो रहे हैं। फैमिली वीक के दौरान जब महेश भट्ट आए थे तब उनसे मिलकर मनीषा रानी ने उनके पैर छुए थे। मनीषा उसी वक्त उनसे यह भी कहती है कि वह बहुत खुश नसीब है कि वह उनसे मिली। महेश जब सबसे मिले तब मनीषा रानी से मिलने के दौरान उन्होंने उन्हें गले लगाया था और हाथ पर किस किया था। इस दौरान मनीषा ने जो एक्सप्रेशन दिए थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अनकंफर्टेबल हो गई है।